दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के बारे में कि जो यूजीसी के द्वारा लिया गया है। एज पर दी यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार, कोई भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कैन एडमिट स्टूडेंट ट्वाइस इन ईयर। कहने का मतलब है कि अब कोई भी यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं, एक बार जनवरी फरवरी में, दूसरी बार जुलाई अगस्त में। अगर हम यूजीसी की करंट रेगुलेशन देखें तो एज पर यूजीसी करंट रेगुलेशन एक साल में सिर्फ एक बार एडमिशन होता है, वो भी जुलाई अगस्त में। और ये जो ट्वाइस एडमिशन की हम बात कर रहे हैं, एक साल में 2 बार एडमिशन की, ये नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से स्टार्ट होगा। अभी जो हमारा करंट एकेडमिक ईयर चल रहा है इसमें ये रूल अभी इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा है। मींस नेक्स्ट एकेडमिक ईयर मींस जो आपका 25th 26th होगा, 25th 4 में अभी जो हमारा करंट रेगुलेशन है अभी वही फॉलो किया जाएगा। अगर हम एकेडमिक सेशन या एकेडमिक ईयर की बात करते हैं तो जनरली एक एकेडमिक ईयर 12 मंथ कंटेन करता है, कि जो कि स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त टू और एंड होता है मई जून में। तो ये जो पीरियड होता है बेसिकली एक एकेडमिक ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि ये डिसीजन लेने का बेसिकली मेन एम क्या है। होता क्या है कि अगर ये पॉलिसी इंडियन यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करती हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका रिजल्ट बहुत लेट आता है। जैसे कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं कि जिनका जो रिजल्ट अनाउंसमेंट है बहुत लेट हुआ, उसकी वजह से बच्चा जो होता है वो करंट एडमिशन साइकिल में एडमिशन नहीं ले पाता है। मींस करंट एडमिशन साइकिल का मतलब जुलाई अगस्त में एडमिशन ले सकता है। कुछ बच्चों के साथ हेल्थ इशू की प्रॉब्लम होती है, कुछ का पर्सनल रीजन होता है जिसकी वजह से बच्चे जुलाई अगस्त मींस या रेगुलर सेशन है उसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इस केस में क्या होता है कि बच्चे को एक साल तक वेट करना पड़ता है ताकि वो नेक्स्ट जब जुलाई अगस्त में एडमिशन स्टार्ट हो फिर ले सके। इससे क्या होगा, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक साल में 2 बार एडमिशन लेते हैं तो बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होगा। मींस अगर वेस्ट भी होगा तो 6 महीने का, मान लीजिए किसी का एडमिशन अगर जुलाई अगस्त में नहीं हुआ तो जनवरी फरवरी में जाके एडमिशन ले सकता है। अब इसके बेनिफिट भी बहुत है कि अब जो प्लेसमेंट साल में एक बार होता था अब वो 2 बार प्लेसमेंट होगा। मींस जो आपका प्लेसमेंट का रेशियो है वो भी बढ़ गया है। अब बात करते हैं कि मेन रीजन है क्या इसके। देखिए मेन रीजन क्या है कि पहले यूजीसी ने ये बाई एनुअल एडमिशन का परमिशन ओडीएल कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज को दिया था। ओडीएल मींस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन में दिया था। इसका अगर जो रिस्पांस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इस कोर्सेज में यूजीसी ने ऑलरेडी एक साल में 2 बार एडमिशन की परमिशन दे रखा है, परमिट कर रखा है। जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ओडीएल और ऑनलाइन कोर्सेज रन करते हैं वहाँ पर जनरली एडमिशन एक साल में 2 बार होता है, एक जनवरी फरवरी में और एक जुलाई अगस्त में। तो मेरे पास एक कुछ रिपोर्ट है जो बताना चाहता हूँ। ये जो रिपोर्ट ली गई है एज पर यूजीसी डे पोर्टल से है, टोटल 19,73,056 स्टूडेंट इनरोल हुए थे जुलाई 2022 में एंड 4,28,854 स्टूडेंट इनरोल हुए थे जनवरी 2023 में। तो अगर ये नंबर दिखाया जाए तो एक साल में 2 बार एडमिशन लेने का कितना बेनिफिट है। मींस जहां बच्चे इनरोल होने चाहिए थे 19 लाख वहां पर बच्चे इनरोल हो रहे हैं 25 लाख। मींस जो बच्चों का इनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ रहा है। इस रिस्पांस को देखते हुए यूजीसी ने डिसाइड किया है कि जो भी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन और ओडीएल मोड्स में कोर्स रन करती हैं या रेगुलर मोड में कोर्स रन करती हैं या जो भी कोर्स उनके द्वारा रन किए जाते हैं उसमें अब यूजीसी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से एक साल में 2 बार एडमिशन लेने का परमिट करने जा रही है। जिससे क्या होगा, एक तो एडमिशन ही बढ़ सकते हैं, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा जिनका किसी वजह से एडमिशन रेगुलर करंट या साइकिल में नहीं हुआ था। तो इसमें जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी कोर्सेज अपने रन कर रहे हैं रेगुलर में या ऑनलाइन या डिस्टेंस में, वो सारे कोर्सेज में एक साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो दूसरा बेनिफिट ये है कि जो भी इनरोलमेंट ग्रॉस रेशियो है वो भी बढ़ेगा। और यूजीसी का मेन कंसर्न इसमें इसके साथ साथ ये भी था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना भी था, उसके साथ साथ
यूजीसी ने एक पॉइंट इसमें मेंशन कर रखा है, मींस यूजीसी के चेयरमैन ने अपने जब इंटरव्यू में उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया, इसके लिए हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उनको प्रॉपर एक प्लानिंग पड़ेगी, NEP का फुली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग टीचर आपके पास होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना पड़ेगा। मीन्स इन सारी चीज़ों के होने के बाद ही कोई यूनिवर्सिटी इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार यूटिलाइज हो रहा था अब वो दो बार यूटिलाइज होगा, उसके लिए टीचर और फैकल्टी पर लोड भी बढ़ेगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सारी चीज़ें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, तभी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती है। बट अगर देखा जाए तो ये जो भी UGC का डिसीजन है वो रियली अप्रिसिएबल है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका किसी वजह से एडमिशन जुलाई अगस्त में नहीं हो पाता है, फिर वो अगले साल का वेट करते हैं, अब उनका जो टाइम है वो बचेगा, वो जनवरी फरवरी में भी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि जैसे अगर मैं अगर नेट का एग्जाम्पल अभी लूँ तभी रिजल्ट का हमें पता नहीं है कि क्या होगा, क्या डिसीजन होगा, हो सकता है कि ये रिजल्ट जाते जाते अक्टूबर नवंबर में हो जाए तो बच्चा कहाँ जाएगा, तो ऐसे केसेस में उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।